तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ आपको आपकी वो शेप किस तरीके से बनती है। काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही थी कि इस तरीके से जो राउंड शेप होती है, राउंड शेप आती है, वो किस तरीके से स्वेटर में हम बना सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए एक स्वेटर बना रही हूँ उस टाइप का, उस तरीके का। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, टीनेजर के लिए बना रही हूँ। 104 फंदे लिए हैं। अब देखिए, 104 फंदे लेने के बाद मैंने बॉर्डर बनाया है, 2.5 इंच का बॉर्डर है एटलीस्ट। आप अपने हिसाब से बॉर्डर रख लीजिएगा जितना भी चाहिए। अब मेरे पास 104 फंदे हैं, सेंटर में मैंने इसकी डिज़ाइन डालना है, तो सेंटर में जो डिज़ाइन डालेगा वो मैं 20 फंदों का डालूंगी। और साइड्स में जो मैं ओवल राउंड शेप बेसिकली दे रही हूँ, जो आजकल एक ट्रेंड बच्चों का चला है, उसके लिए मैं यहाँ से 36 फंदे रखूँगी, यहाँ से 36। वो किस तरीके से मैं उसको शेप दूंगी वो आप देख लीजिए। चलिए देखिए, अब ये बनाने के बाद, बॉर्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये फंदे हम यहाँ से 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिएगा, 5 फंदे आपने सीधे बनाए, यहाँ पे आपने रैप एंड टर्न करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे उतारेंगे, धागा वापस करेंगे, इसे वापस लेंगे, इस तरीके से, ये ध्यान रखिएगा। अब पलट लीजिए। अब ये फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, फिर पलटेंगे। अब देखिए, 5 फंदे तो पहले सीधे बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 फंदे बनाने के बाद मैं 3 फंदे और बनाऊंगी, 1, 2, 3। अब वापस धागा अपनी तरफ, इसे उतारूंगी, फिर वापस लूंगी, फिर वापस उतारूंगी, इस तरीके से आपने ज़रूर करना है। पलट लीजिए। अब ये सारे फंदे उल्टे, आप पलट लीजिए। अब ये सारे सीधे, फिर 3 और लूंगी, 1, 2, जितने भी है, ये 8 फंदे होंगे, ये देख लीजिए, ये 8 फंदे। इसे रैप एंड टर्न किया था, आप देखेंगे इस तरीके से दिखेगा। इसे आपने ऐसे ही बनाना है, ऐसे, 1, 2 और ये 3। अब ये 3 बनाया, अगेन धागा अपनी तरफ, फिर इसे उतारा, फिर धागा वापस, फिर इसे लिया, ऐसे। अब पलट लेंगे और ये फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से बनना शुरू हुआ है आपका। फिर से ये लेंगे सारे फंदे और फिर उनमें से 3 और लेंगे हम, जो हमने रैप एंड टर्न किया था, उसके बाद 3 और लेंगे। ये देखिए, ये आ गया, यहाँ पे हमने, ये देखेंगे नज़र आ जाएगा, रैप एंड टर्न किया था, इसे लेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर धागा अपनी तरफ, फिर उतारेंगे, फिर धागा वापस, फिर इसे लेंगे, इस तरीके से आपने करना है। पलट लीजिए, सारे उल्टे बनेंगे। ये देखिए, अब जो मैंने 36 फंदों के आसपास, 30 या 36 लूंगी, वो मैं अभी ऐसे ही करते हुए जाऊंगी पूरे, और उसके बाद बताती हूँ आपको क्या करूँगी। पहले हमें ऐसे ही करते हुए जाना है, आप इसी तरीके से,
ये देखिए अब मैंने 36 फंदे कर लिए हैं। आप देखेंगे, देखिए शेप किस तरीके से आई है, आप ये देख रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं 36 फंदे पूरे कर चुकी हूँ, रैप एंड टर्न पे पहुँची हूँ। अब थोड़ा सा आपको ये बता दूँ मैंने कि मैंने यहाँ पे सेंटर में डिज़ाइन डालना है, तो मैंने क्या किया कि जितना डिज़ाइन मेरा सेंटर में डलेगा 20 फंदों का वो कैलकुलेट कर लिया, प्लस मैंने ये 36 फंदे कैलकुलेट किया और मेरे पास बच रहे हैं उसके बाद 6 और 6 फंदे। आप चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं, बट मैं सेंटर में यहाँ पे डिज़ाइन डालना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 36 बनाएं उसके बाद 6 फंदे बनाने के बाद डिज़ाइन डालूँगी, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम किस तरीके से शेप लाएंगे। अब देखिए पहले मैंने ये 36 फंदे रैप एंड टर्न पर पहुँची हूँ, ये मेरा लास्ट फंदा है 36। फिर 6 फंदे मैंने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे डिज़ाइन डालना है, पहले मैं एक बार गिन लूँ यहाँ से। तो देखिए 6 फंदे, 36 और 6 यानी कि 42 फंदे मैंने बना लिए। अब सेंटर के 20 फंदों में मुझे डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन देखिएगा कैसे डालूंगी। आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकती है, मैं इस तरीके से लूँगी। ये लिया मैंने, ये वापस लिया, एक फंदा और ले लेती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मैं 2 फंदों पे यहाँ पे डिज़ाइन डालना चाह रही हूँ। तो यानी कि यहाँ पे जो है मैंने 36 + 5 फंदे बनाए हैं। अब इन 2 फंदों में से देखिएगा, इस तरीके से लूँगी और इसे लूँगी, इन दोनों को 2 का 1 करूँगी, फिर ये वाला फंदा। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 फंदों को मैंने ट्विस्ट करना है, तो देखिएगा ये जो 6 फंदे हैं इन्हें मैं 1 2 3 1 2 3 यानी कि ये वाले 3 फंदे मैं इस तरीके से लूँगी। आप देखेंगे बैक साइड से लूँगी, 1 2 3 1 2 3, ये 3 लिए मैंने बैक साइड से। देखिए इस तरीके से इसे उतारा और इसे लिया ऐसे। अब इन्हें जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही सीधा बनाऊँगी 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से 6 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों में जिस तरीके से मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है ऐसे ही यहाँ भी धागा आगे करके डिज़ाइन डालूंगी। इस तरीके से किया आपने, ऐसे लिया और 2 का 1 किया और ये एक और फंदा। अब बाकी फंदे सीधे बनाऊंगी। अब ये देखिए मैंने ये सीधी लाइन बनाई है। अभी देखिएगा यहाँ से ही सिर्फ हमारा हुआ है, इस तरफ से नहीं हुआ है। अब हमें यहाँ से करना है, बट कैसे, उल्टी तरफ से। आ जाइए इस पे। अब पहले 5 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2 अभी देखिए ये जो है यहाँ से मैं 5 फंदे उल्टे बनाऊंगी पहले। एक दो तीन चार और ये 5।
अब ये पांच फंदे मैंने उल्टे बनाए, इसे मैंने रैप एंड टर्न करना है। धागा आगे करूँगी, इसे उतारूँगी, धागा वापस करूँगी और इसे वापस लूँगी, इस तरीके से देखिएगा। अब पलट के ये पांच फंदे सीधे बनाऊँगी, एक दो तीन चार पाँच, फिर वापस पलट के पहले पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच। अब ये देखिएगा रैप एंड टर्न है, इसे बनाऊंगी, एक दो तीन, पांच के साथ मैंने तीन फंदे लिए, धागा आगे, इसे किया आपने ऐसे, या अगर आप धागा यहीं रखते हैं इसे लिया, धागा ऐसे लिया आपने, इसे वापस और धागा वापस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पलट लीजिए, अब ये आठ फंदे सीधे बनाएंगे आप, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। अब देखिए ऐसे ही हमने तीन तीन फंदे इस यहाँ से उल्टी साइड पे लेते हुए जाना है, वहाँ से हमने सीधे में लिया, यहाँ हमने उल्टे में लेना है। पहले ये आठ फंदे बनाइए, दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब यहाँ पे आए जहाँ पे हमने रैप एंड टर्न किया है, इसे बनाया, साथ में दो फंदे और, यानी कि तीन फंदे हम तीन तीन लेते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, अब आपने ये उतारा, इसे धागा आगे लिया, फिर वापस उतारा, फिर धागा वापस लिया, पलट लीजिए और ये देखिएगा इस तरीके से बनना शुरू हुआ है। हमने अब तीन तीन फंदे लेने हैं, यानी कि 36 फंदे हमने यहाँ से भी करने हैं। ऐसे ही करते हुए जाना है, ये आप इस तरीके से सीधा बनाएंगे, पलट के ये उल्टे फंदे पहले बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने रैप किया था, इसे लेंगे और साथ में दो फंदे और, यानी कि हम तीन तीन फंदे लेते हुए जा रहे हैं, दो और ये तीन। अब ये उतारेंगे, धागा आगे, ये वापस, धागा वापस, इस तरीके से पलट के सारे फंदे सीधे बनेंगे, पलट के फिर से वही सारे फंदे उल्टे और तीन फंदे और लूंगी। ये देखिए लिया, ये उतारा, धागा उधर वापस। अब ऐसे ही करते हुए जाऊंगी जब तक मेरे पास ये इस सिलाई पे 36 फंदे उल्टे साइड में आएंगे, तब तक वैसे ही करूंगी और उसके बाद हम इसको नॉर्मल बनाते हैं तो आपकी ये शेप आ जाती है। चलिए इसको मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आए तीन फंदे, एक दो तीन, ये लिया, धागा आगे किया, वापस लिया, धागा वापस किया, फिर पलट लिया आपने। अब इसी तरीके से 36 फंदे तक मैं ऐसे ही बनाऊंगी।
अब ये देखिए यहाँ से भी मेरे 36 फंदे हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसको, इसकी शेप दिखाऊंगी अभी मैं आपको। बाकी जो आपने अगर प्लेन भी बनाना है आप प्लेन भी बना सकते हो, आपने कोई और डिज़ाइन डालना है आप अपने हिसाब से सेंटर में डिज़ाइन उसके डाल सकते हैं, या प्लेन बना के ऊपर से कढ़ाई कर दीजिएगा। अब ये देखिए ये 36 फंदे हो गए, ये देखिए यहाँ आ गए हम, ये देखिए ये रैप एंड टेक्स्ट है, ये 36 हमारे हो गए। अब बाकी सारे उल्टे बनाऊंगी और जहाँ मैंने डिज़ाइन जैसा डाला होगा मैं उस हिसाब से इसमें जो है करूँगी। देखिए अब मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि इसका शेप किस तरीके से आई है। ये देखिएगा, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे बेसिकली ये शेप किस तरीके से आ जाएगी। ये फ्रंट में आएगी और बैक साइड जो है आप इसका प्लेन बनाओगे इस तरीके से जैसा बॉर्डर है, और उसके बाद उसमें जिस तरीके से आपने चढ़ाना हो बॉर्डर डिज़ाइन या प्लेन उस तरीके से आप बैक साइड चढ़ाओगे। तो बैक साइड ऐसे रहेगा इसका जब हम इसे जोड़ेंगे, और फ्रंट का आप देखेंगे ये कर्व आया है, फ्रंट का देखिए इस तरीके से इसका कर्व आएगा। अब आपने इसको नॉर्मल बनाना है, जिस तरीके से भी आप इसे जो है बनाना चाहेंगे वैसे आप बनाएंगे, जस्ट फ्रंट में आपको इस तरीके से ये कर्व आ गया है। तो चलिए फिर आप इसे बनाइए, सेंटर में आप कोई भी डिज़ाइन डालना चाहे डालें, साइड में जिस तरीके से बनाना चाहे इसे आप वैसे बनाएं। थैंक यू।